आज हम फिर से बात करेंगे अपने चहेते दुग्गल साहब यानी ध्रुव राठी के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बंदे को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है भाई। ये बंदा ऐसा है कि इसको किसी चीज में खुशी ही नहीं मिलती है। ये एक अजीब तरह का प्राणी है। देखो यार, मुझे पता है मुझे गाली आने वाली है, इतनी भर भर के आएंगी ना। आप लोग भी पढ़ना, मजा आता है, बहुत बहुत गाली आने वाली। ध्रुव राठी पे वीडियो बनाओ, गाली गाली आती है। तो मैं बता दूं भाई, फिर से बंदा मतलब ऐसी हरकतें करने लग रहा है। क्या बताऊं यार, मतलब इतना बड़ा इवेंट हुआ ओलंपिक्स ने, इंडिया में इतना कुछ खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन यार ये बंदा खुश नहीं हुआ। तो जरा वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा समझना, अगर लॉजिकली कुछ भी समझ में आए ना तो यार ध्रुव राठी तक पहुंचा देना, आई मीन दुग्गल साहब तक। तो यार बात ऐसी है कि भैया ओलंपिक्स में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मतलब जो भी 4 साल पहले रियो था उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिर से निकल कर आया है। प्लेयर पार्टिसिपेशन भी बड़ा है। और अगर हम बात करें तो आप दिल से बताइएगा कि आपको कुछ पहले के मुकाबले गवर्नमेंट का इस बार सपोर्ट लगा, तो आप बोलेंगे हाँ कुछ तो सपोर्ट था। क्योंकि प्लेयर्स से मैच से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की जा रही थी, जो कि खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। अब देखिए, ये मत जज करने लगना कि मैं बीजेपी सपोर्टर या मैं कांग्रेस सपोर्टर, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ ठीक कर रही है तो उस चीज़ को तो यार मतलब प्रशंसा करनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज़ की है तो इससे कुछ चेंजेस आएंगे फ्यूचर में, और अगर ऐसे ही गवर्नमेंट सपोर्ट करती रही तो हमको कुछ नया देखने को मिलेगा यार। मतलब ओलंपिक्स में भी और हर चीज़ में, खेल के मुकाबले जो भी होंगे, मान लीजिए CWG या एशियन गेम्स, मतलब नए नए प्लेयर्स निकल कर आएंगे। और ये चीज़ नीरज चोपड़ा जी ने खुद एक इंटरव्यू में बोली कि भाई इस बार गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा था। मीराबाई चानू जी ने भी ये चीज़ मानी है, सबने मानी है जितने भी प्लेयर्स थे, कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। और गवर्नमेंट ने इसके बाद भी ऐलान किया है कि अच्छे अच्छे प्राइजेस दिए जाएंगे, है ना। हर स्टेट की गवर्नमेंट भी प्राइज दे रही है, ठीक है। और उसके बाद अकेडमीज डेवलप करना, ये सब तो वादे वूदे हुए ही हैं। लेकिन चलो कोई चीज़ अच्छी हुई है तो चलो, ये नहीं कि भैया इस चीज़ में थोड़ा खुश हो लें। तो ध्रुव राठी जी को ये चीज़ भी हजम नहीं हो रही, उनको लग रहा है कि क्रेडिट ले रहे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं, इस चीज़ पर राजनीति कर रहे हैं। तो ध्रुव राठी जी ने ट्वीट किया है कि लियोन मेसी को अभी जो एक क्लब ने ज्वाइन किया है उन्होंने, उस पर मोदी जी की फोटो लगा के मतलब एक मीम टाइप का बनाया कि देखो ये, मतलब ये एक सार्केस्टिक वे में उन्होंने डाला है कि देखो कि इस तरह से क्रेडिट लिया जा रहा है ओलंपिक्स में भी। और उनकी ऑडियंस हंस रही है इस चीज़ पे, और जाहिर बात है उनकी ऑडियंस तो मतलब एकदम ध्रुव राठी की भक्त टाइप की है। और ध्रुव राठी एक ऐसा बंदा है कि भैया अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो, और अगर ओलंपिक्स में गोल्ड या कुछ भी मेडल एक भी ना आए, तो ये बंदा बोलता है कि देखो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है इसलिए मेडल वेडल नहीं आ रहे हैं, इसलिए देखो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो कहता है यार देखो गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है। तो भैया ये बताओ ध्रुव भाई कि मतलब गवर्नमेंट करे तो करे क्या, मतलब आपको कैसे खुश किया जाए, आप किस तरह से खुश होंगे, आप ये बता दीजिए। मतलब सपोर्ट करें तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, और सपोर्ट ना करें तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। तो मतलब कोई तो एक रास्ता बता दो जिसमें आप खुश हो सकते हो। ध्रुव भाई कुछ तो बताओ, आपने ये ट्वीट जो किया है इसका मतलब क्या है, आपको क्यों इतना जल फूक क्यों रहे हो यार, इतना क्यों आपकी जली है। तो मतलब ध्रुव राठी का इलाज नहीं है, मैं तो समझ गया हूँ। और साथ ही साथ कुछ और भी तत्व हैं जिनके बारे में मैं आगे की वीडियोस में बात करूँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया है तो देखो, मुझे पता है कुछ लोग तो उल्टा बोलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसको भी समझ में आया, और नहीं किया है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और पहुँचा दो जहाँ पहुँचाना है, पहुँचाओ आज, पहुँचाओ तगड़ा वाला। और कमेंट करो यार थोड़ा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।